सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है राशि आपकी। आइए आज फिर से शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का और आपको बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। सबसे पहले मेष राशि, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी जो आपके लिए फलदायी साबित होगी। मेष राशि वालों के कार्य में अधीरता और आक्रामकता दिखेगी। अपने भीतर चल रही उथल पुथल और असमंजस के कारण आपको निर्णय लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण निर्णयों का टालना बेहतर होगा। रिश्तों में प्यार और रोमांस बना रहे इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। आप बड़े बुजुर्गों, पिता, दोस्तों, बड़े भाई बहनों के साथ ही बाहरी और उच्च श्रेणी के लोगों से वित्तीय लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। वृषभ राशि, व्यवहार या योजना से बचें। काम के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। पेशेवर मामलों के प्रति आपका ध्यान अधिक केंद्रित होगा और आप अपने करियर को नए मुकाम पर ले जाने के लिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। वरिष्ठों और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको सफलता मिल सकेगी। भागीदारी के कार्यों और जीवन साथी के साथ आत्मीयता बेहतर रहेगी, लेकिन विवाहितों को जीवन साथी से संबंधित बातों को लेकर चिंता हो सकती है। इस अवधि में आप दूसरों की मदद करने का प्रयास करेंगे। मिथुन राशि, पेशेवर मोर्चे पर अधिक सक्रियता की संभावना है। निजी और पारिवारिक संबंधों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सुधार होगा, लेकिन तब तक आपको सावधानी बरतनी होगी। आपकी वाणी की कठोरता संबंधों में तनाव का कारण बन सकती है। पेशेवर जीवन की बात करें तो आप जुनून और उत्साह के साथ काम करेंगे और आपको इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा, लेकिन उत्साह में आकर कोई ऐसा काम ना करें जिससे मन दुखी हो। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय अभी अच्छा चल रहा है। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। प्रेम संबंध बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के बीच में आर्थिक लाभ मिल सकता है। सिंह राशि, शुरुआत अच्छी रहेगी। बिजनेस और नौकरी में प्रतियोगी आपसे पीछे रहेंगे। कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि सावधानी रखनी जरूरी है। आपका ध्यान संतान के अभ्यास पर टिका रहेगा। आप भविष्य को लेकर किसी योजना को बनाने में व्यस्त रहेंगे। समय आपके पक्ष का बना हुआ है। आप अपने किसी मित्र के साथ इस सप्ताह अपने मन की बात कर पाएंगे। किसी छोटी यात्रा या पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं आप। कन्या राशि, आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। जॉब या बिजनेस के लिए की गई आपकी यात्रा सफल होगी। सप्ताह के बीच में थोड़ी अशांति ही हो सकती है। घर में माता, बहन या पत्नी के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। कोर्ट कचहरी के काम में आपको दिक्कत हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को काम में असंतोष रहेगा। आपको अपनी मेहनत का लाभ उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। आप हर काम को अपनी समझ से करें। शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। मजबूती बनाए रखें। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है। विवाहितों का किसी बात पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने अहम को खुद पर हावी ना होने दें। संबंधों में परेशानी हो सकती है। आप उत्कृष्ट संबंधों का आनंद ले सकते हैं। पहले से ही चल रही परेशानियों से निजात मिल सकेगा। पारिवारिक संबंधों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। दोस्तों या भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा साबित होगा। इस सप्ताह आपकी स्थिति में
धीरे धीरे सुधार होगा, आपको इसका एहसास भी होगा। विपरीत लिंग के दोस्तों के साथ अभी भी आपको रिश्तों में अनिश्चितता या तनाव महसूस होगा। आर्थिक मोर्चे पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले से ही आपकी आय धीमी और इस महीने से इसमें अनिश्चितता बढ़ सकती है। आप खर्च पर नियंत्रण और खर्च की पूर्व योजना बनाकर स्थिति को नियंत्रित कर सकेंगे। प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन बेहतर रहेंगे। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए ये सप्ताह उत्साहजनक रहेगा। किसी भी काम को साहस पूर्वक करने से उसमें सफलता मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन परिवार में थोड़ी खटपट हो सकती है। परिवार सदस्यों के बीच असंतोष उत्पन्न हो सकता है, इससे मन उखड़ा उखड़ा महसूस होगा। अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर परिवार के साथ व्यतीत करें। इस संघर्षपूर्ण स्थिति से आप धीरे धीरे बाहर निकल सकेंगे। जहां तक आय की बात है तो इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, इस कारण कुछ छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अतिरिक्त काम करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह सुखकारी प्रतीत होगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा। उच्च शिक्षा के लिए आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आपका पारिवारिक और आपका वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण होने के योग हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके रिश्ते अधिक मधुर और बेहतर होंगे। आर्थिक क्षेत्र में आपका समय अच्छा है। प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। करियर से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा साबित होगा। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो आप धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ अपने पार्टनर का ध्यान रखेंगे। आप विपरीत लिंग के दोस्तों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होंगे। ऐसे में खुद को अनैतिक संबंधों से बचाना होगा। मित्रों के साथ संबंधों में आप उत्साही रहेंगे। आपको यात्रा के दौरान या किसी खतरनाक काम, खेल आदि के दौरान सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में आत्मीयता बनी रहेगी और आप में रोमांस की भावना उत्पन्न होगी। जो लोग पहले से संबंधों में नहीं हैं, वे नई शुरुआत कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, लेकिन आप दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से आप बात करें तो ये एक सामान्य चरण होगा, क्योंकि आप मिलने वाले लाभों के प्रति अनिश्चित होंगे। मौज मस्ती और लग्जरी जीवन शैली पर काफी खर्च करेंगे। आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि बाद में बुजुर्गों द्वारा अर्जित संपत्ति से लाभ होगा या उच्चाधिकारियों या सरकार की ओर से कोई लाभ मिल सकता है। आप अपनी वाणी पर सौम्यता रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।